पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। आपको बता दें, चुनावी शंखनाद हो चुका है और उसके बाद लगातार सारे लोग नॉमिनेशन में जुट गए हैं। आपको बताएं, दूसरे चरण का कल आखिरी दिन था नॉमिनेशन का और जीतन राम मांझी ने भी नॉमिनेशन कर दिया है। आपको ये भी खबर होगी कि वो गया से उनको टिकट मिली है NDA से, अब वो गया से चुनाव लड़ेंगे। चुनावी प्रचार प्रसार उनके पुत्र भी कर रहे हैं। कल एक वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था, जिसमें आपने देखा होगा किस तरीके से संतोष मांझी जो है वो अपने पिता के लिए चुनावी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कल का दिन भी कितना महत्वपूर्ण था ये भी आपको पता होगा। नरेंद्र मोदी आए थे खुद NDA के प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार करने, लेकिन एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बताएं, 9 और 11 अप्रैल को जो जीतन राम मांझी है वो गया में रोड शो करेंगे। जी हाँ, और इनका जो रोड शो का प्रचार प्रसार है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद करेंगे। सबसे बड़ी बात है, अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी के रिश्ते की बात करें तो हमेशा ही उतार चढ़ाव देखने को मिला है। आपको याद होगा पिछली बार विधानसभा में क्या कुछ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को कहा था और किस तरीके से उन पर कटाक्ष किए गए थे। लेकिन अब वही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जीतन राम मांझी के प्रचार प्रसार में मदद करेंगे। हालांकि दोनों ही NDA का हिस्सा है, दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के घटक दल है और सारे लोग जो है एकजुट होकर कहीं ना कहीं इस बार 40 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं और 40 सीटों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज करना चाहते हैं। पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो एक सीट रह गई थी, वो है किशनगंज की। लेकिन इस बार जिस तरीके से NDA में एकजुटता दिख रही है, चाहे बात करें हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रिश्ते की, चाहे वो चिराग पासवान से हो या जीतन राम मांझी से हो, आप इन दोनों रिश्तों में देखे होंगे किस तरीके से उतार चढ़ाव आते हैं और कभी ये लोग एक दूसरे पे कटाक्ष करने के लिए पीछे नहीं हटते। लेकिन अब वही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चिराग पासवान के भी करीबी हो चुके हैं, साथ में जीतन राम मांझी की। 11 और 9 अप्रैल को रोड शो जब करेंगे जीतन राम मांझी, तो देखना होगा कि आगे क्या कुछ होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी की जो जोड़ी है एक समय में काफ़ी चलती थी और उनकी तूती बोलती थी। अब देखना होगा इसके बाद आगे क्या कुछ होता है बिहार की राजनीति में। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए आप बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।